नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे सतोष सर आपको समस्त आम यूट्यूब चैनल स्टडी आवर को स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु रही दशम श्रेणी ज्यामितीर अंकन चैप्टर टी आरंभ करवा। आज अंकन फर्स्ट फेज रे आलोचना करवा। आज प्रथम अनुशीलन सेवेन डेटा जो थे अच्छी गोटे त्रिभुजर गोटे बाहू और तार विपरीत कोण थे त्रिभुजर परिवृत्त अंकन किपर आम कह। तो त्रिभुजर परिवृत्त अंकन फर्स्ट पॉइंट आम पढ़ा। तो विषय वस्तु जावा पूर्व पुणी थे कह जब आप चैनल को प्रथम थर कर देखते तो लाइक सेयार सब्सक्राइब निश्चित रूप से करूँ और अधिक अधिक मात्रा में सेयार करूँ जहाद्वारा कि आम आपड़ोटे समस्त पाखे बहुत मात्रा में पहुँच पारे। तो चलते विषय वस्तु को जीवा। आज विषय वस्तु रही अंकन परिवृत अंकन मैंने परिवृत अंकन करने आम कौन कौन सत्त आवश्यक पड़ी दुईट सत्त देखिए गोटे बाहर दर्घ्यगत थी बाहर विपरीत कोण टे तो यह नहीं कि आम वृत्तटे वृत्तर ए सरी त्रिभुजर परिवृत्तटे अंकन कर। देख गोटे त्रिभुज मन कर एबीसी हूँ एक त्रिभुज। ये त्रिभुज में गोटे बाहुदत्त अच्छी बीसी यहाँ मन कर पांच सेमी। तो त्रिभुजर गोटे बाहुदत्त थी और तार विपरीत कोण कोण कहले कौटा ये तार विपरीत कोण टी हूँ एक कोण टी मन कर नहीं गली मुझे डिग्री बीसी बाहु दे पांच सेमी ए कोण दे षाठी डिग्री ताको नहीं त्रिभुजर परिवृत टे ग्रहण कर। जो षाठी डिग्री देखिए कोण को नहीं आम तीन भाग में भाग करदे। प्रथम के हूँ जे जदि कोण टी एक सूक्ष्म कोण हो बा नबे डिग्री कम आउ कोण नबे डिग्री होती आउ गोटे कोण नबे रु अधिक यहीपरी भाग में आम त्रिभुज को तीन भाग में विभक्त कर। त्रिभुज केत प्रकार हो पारे तीन प्रकार जी तीन प्रकार त्रिभुज होती परिवृत्त भी सेम तीन प्रकार ये कोण को लेकिन आम एक तीन भाग में भाग कर कोणटा पर नबे एक कोणटर पर नबे रु कम फिजिकाल नबे नबे सहित सामान कि ग्रेटर दैन नबे यहाँ नबे रु अधिक भाव में तीन भाग में भाग करवा कोणटे के भाग में तीन भाग में गोटे नबे रु कम फिजिकाल टू नबे आउ नबे रु अधिक गोटे सूक्ष्म कोण सूक्ष्म कोण समकोण स्थूलकोण सूक्ष्मकोण समकोण स्थूल। तो आम प्रथम आलोचना करवा गोटे सूक्ष्मकोण विषय। सूक्ष्मकोण टी कौन ना नबे रु कम तो यही है तार उदाहरण नहीं पार गोटे बाहू दे बीसी बाहू पांच सेमी आ तार विपरीत कोण देखिए षाठी डिग्री तो नहीं कि आम चित्र टी कर। तो प्रथम कहे जो चित्र टे प्रथम एक बाहू टी अंकन कर ये बाहू पर आम कौन करवा ना बी आउ सी काटा बी आउ सी कत सेमी ना पांच सेमी स्केल आउ स्केल पेनसिल गार पकईवा गोटे गार पक पांच सेमी काटा पांच सेमी ना दबा बी आउ सी बीसी ना दे सर ए बिंदु गोटे कोण अंकन करवा दी बिंदु गोटे कोण टे अंकन कर से कोणटा के दरकार आमर यहाँ दरकार षाठी डिग्री ए कोणटा। तो ये दरकार आम षाठीटा आम ये अंकन करवा नाइंटी माइनस थीटा अर्थात नबे रु षाठी फेड़ीदे ये कोणटा आसमें के नबे फेड़ षाठी समय के तीस सूत्र नियम अनुसार नबे माइनस थीटा सूत्र पकड़े बाहर डिग्री तीस तो यही कौन कर षाठी तीस देखले तीस डिग्री एपटे तीस डिग्री जदि तार विपरीत पटे सेपटे षाठी अधा तीस डिग्री थी एपटे तीस एपटे तीस दीटा छेद बिंदु जे सी है उत्तर केन्द्र ओ को केन्द्र नहीं ओबी आउ कि ओसी को व्यासार्ध रूपे नहीं मुझे गोटे वृत्त टी अंकन करी तेगला कौन बीसी बाहू पर एक परिवृत टी अंकन परिवृत्त जो अंकन होगा आम ए बिंदु एपर्त पाए
एन गुटा आम कमी पाइबा ना जिते बेलस्थला केन्द्रस्थ कोण तीस तीस षाठी गले त्रिभुज तीन कोण समी शहे अशी तो षाठी गला पर यहाँ के ना शहे कोड़े तो ये कोण जो शहे कोड़े पाइले आम पढ़ीचे नवम क्लास परिवर्तन अंकन नियम अनुसार यदि केन्द्रस्थ कोण परिमाण षाठी डिग्री हुए तो भूतर उपरीस्थ कोण परिमाण के ना तार अर्धेक मानते अधा तो शहे कोड़े अधा हो षाठी तेणु से बिंदुटा मे भी ये जेको एक बिंदु हो पार या उपरे जेको एक बिंदु ये बीसी चापर जेको एक पार्टी आम कौन नहीं पार्टी ना एम बिंदु को नहीं पार तो ए बिंदु तो आवश्यक त्रिभुज अंकन संभव कौन एक आवश्यक त्रिभुज अंकन संभव दत्त कौन थी दत्त थी गोटे त्रिभुज ए बी सी जार बीसी पांच सेमी ए कौन टी षाठी डिग्री दत्त थी त्रिभुज परे अंकन कर अंकन कर तो ये थी गोटे प्रणाली जोटा जी कोण परिमाण के एक सूक्ष्म कोण हो नबे रु कम होती अंकन कर देखी दिखा भल भाव आउ थे टी ए कोणटा ए बिंदुटा जेको पार्ट आस देखी दिखा भल भाव तो ये गला सूक्ष्म कोण विषय तो से आलोचना करवा एक समकोण विषय तो समकोण पे मन कर देछि बीसी दला मन कर गोटे से उदाहरण नहीं बीसा देखिए मन कर छ सेमी ए कोणटा हला नब्बे डिग्री बीसी दला गोटे छ सेमी ए कोण दला नब्बे डिग्री परिवृत दिए अंकन ना से दत्त अच्छी गोटे त्रिभुज बीसी बाहू आउ एक गोटे गार टे टाणी दवा से गार उपर एक बी आउ सी काटा ना दवा बीसी आटिद केमी ना छमी बीसी छमी काटिदे कौन करवा ना ये बीसी बाहू को ही आम कौन करदे ना समुदीखंड करदे तो थीटा नियम अनुसार नाइंटी माइनस थीटा नबे नबे गले शून तो ये शून्य डिग्री अंकन करने संभव तो नुह तेणु कौन करवा ना आम बाहू को कौन करदे समधिखंड करदे तेल बीसी बाहू को जो समधिखंड कले समधिखंड कटा जो छेद कला ता नाम देदे ओ अर्थात यह हूँ वृत्तर केन्द्रबिंदु जो परिवृत टे आसवे परिवृत केन्द्रबिंदुटा कौटी आसा बीसी ही आसला तो सही ओ को केन्द्र नहीं ओ बी कि ओसी को व्यासार्ध रूपे नहीं एक वृत्त टीए अंकन ओबी किंबा ओसी को व्यासार्ध रूपे नहीं कौन करदे ना गोटे वृत्त टीए अंकन करदे तो वृत्त टीए अंकन करदेला वृत्तर कोण केन्द्रस्थ कोण टी के सृष्टि है शहे अशी एपटे अंकन करके एपटे अंकन जो पटे भी आइए शहे अशी आसला तो शहे अशी आसने वृत्तर उपरीस्थ कोण टी के तार अर्धेक अर्थात नबे डिग्री तो नबे डिग्री टा के हम अंकन ना जो एक बिंदु जो बिंदु चिन्ह कर ए बिंदु टाइम मन करा कौन आस नब्बे डिग्री आस कहीं जेहतु केन्द्रस्थ कोण अंकन होते डिग्री शहे अशी डिग्री तो वृत्त उपरीस्थ कोण निहत रूप आसे डिग्री नब्बे डिग्री तेल बीसी बाहू था छः सेमी ए कौन आसला नब्बे डिग्री और वृत्त को लेकिन त्रिभुज अंकन कर तो ये जी कोणटी परिमाण नब्बे डिग्री थी तेल तार परिवर्तन आम किपरि अंकन कर तो ये द्वितीय पॉइंट तृतीय पॉइंट अच्छे थीटार परिमाणटा नबे रु अधिक होती कोणर परिमाण जब कितने नबे रु अधिक होती अर्थात ताकि गोटे कौन हो स्थूल कोण होने किपर अंकन कर देख सेमती आम अंकन कर गोटा कर ये गोटा कर तेणु ये गोटा कर आम अंकन कर छमी डिग्री ना शहे कोड़े नबे रु अधिक नबे रु अधिक होगा शहे कोड़े डिग्री शहे कोड़े डिग्री अंकन कर
ব্যক্তি তাহলে 6 সেমি গেছে মনে করো এটা বাকি যে ব্যক্তি তে 6 সেমি বি সি বি সি কোন এক কত কাটলে 6 সেমি 6 সেমি কাটলা পরে এটা যেহেতু আছে কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি অধিক তো আমি থিটা মাইনাস 90 মাইনাস থিটা পকাই পারিবানি তো এটি পকাইবে কত না 90 রু কত অধিক এটা 90 এটা কত অধিক তো 90 প্লাস থিটা মানে কত মিশে এটা 120 হচ্ছে তো এটা আমি কত কি সেট হলো 120 লো 90 মাইনাস কত ইজিকাল টু কত 30 তো 30 থিটা কো এটা উপরে অঙ্কন করতে উপরে অঙ্কনটা হলো 90 মাইনাস থিটা 17 90 টা হলো মঝি রে উপরে বা বিশ্বাহ উপরে 90 প্লাস থিটা টা আছে তলে অর্থাৎ আমি বি কিংবা সি বিন্দুরে কোণ করিবা না উভয়রে ওটে তল পটে অঙ্কন করিবা কত ডিগ্রি না 30 টি তো এটা হলো 60 এর 60 বাদা 30 आउ कौन अंकन करें सी बिंदु भी सेम षाठी अधा तीस टी अंकन करवा तो फास्ट पॉइंट पढ़े से दुपट अंकन कौन अंकन कर अंकन करेंगे बाहर समीकरण अनुसार गोटे करदे कौन अंटी करदेवी समीकरण एका एक कथा जदि एपटे कौन भी अंकन करवा कथा कौन भी अंकन कर नचे नहींपट कौन कर बाहर समीकरण তাহলে বাহুর অসমদ্বিখণ্ডক আর এইপট কোণ দুইটাক পরস্পর যে কেন্দ্রে যোগ কলে তা আনন্দি দেওয়া অর্থাৎ এখানে ও হব উত্তর কেন্দ্র যে পরিবৃতটি আসব তার কেন্দ্রবিন্দু হইলা ও তাহলে ও বি আর ও সি কু ব্যাসার্ধ রূপে নিয়ে আমি বৃত্তটি অঙ্কন করি अंकन कर सर आम बिंदु दरकार ए बिंदु ए बिंदुटा केिग्री आसा दरकार ना 120 डिग्री तेज़ 120 डिग्री यार केन्द्रस्थ कोण डिग्री सृष्टि करदे ना 240 डिग्री क्या तीस तीस कैसे षाठी तो यह भाला 120 120 हेल्ला तार अपोजिट के ना केन्द्रस्थ कोण परिमाण जानते 360 120 गला 240 তাহলে এই উপরে যে কোন সেক বিন্দু চিহ্নটা হলা এখানে কতটা আছে যে কোন সেক জায়গায় এ বিন্দুটাকে চিহ্নিত করি এ বি সহিত এ সি সহিত যোগ করে দিলে এ কোণর পরিমাণ হয়ে যাবে কত ডিগ্রি না 120 ডিগ্রি তাহলে কোন করিবা যে কোন সেকের এ বিন্দু চিহ্নিত করে দিলে তারপরে এ কো বি সহিত এ কো সি সহিত তাহলে এটি সেই গেল আবশ্যক ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব যেউঠারে এ কোণর পরিমাণ আসবে কত ডিগ্রি 120 तो ये थिला कौन ना आमर जब कौन थी परिमाण कौन थी स्थूल कौन थी तेज़ भाव अंकन करें ये तीन टी प्रणाली आम त्रिभुज अंकन और त्रिभुज परिवर्तन लिए अंकन ये सप्तम सेवेन एयर अनुशीलन ये तीनो प्रजोज्य ये तीनो मेथड आम सब जगह क्वेश्चन समाधान कर तो या परवर्त स्टेप आम तार क्वेश्चन गुड़िक समाधान करवा देखो यदि क्वेश्चन गुड़क सल्व हो जाए सब सल्व कर तो फास्ट थी सूक्ष्म कोण समकोण स्थूल कोण कोण परिमाण वृत्त थे और गोटे बाहु वृत्त थे आम कि भाव त्रिभुज परिवर्तन टे अंकन करवा आई अनुसार आम को सल्व कर धन्यवाद।